में लगातार बने रहता हूँ। नथुआ कि आज का जो हमारा विषय है वो सेवा सदन उपन्यास है, जिसपे चर्चा करने के लिए विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे समक्ष पुनः एक बार फिर से डॉक्टर राजीव कुमार रावत सर जी उपस्थित है। मैं सर का अपने विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वर्तमान में सर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसे हम लोग IIT खड़गपुर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के रूप में कार्यरत है। तो सर को मैं स्वागत करता हूं और सर से आग्रह करता हूं कि आज की कक्षा को आरंभ करें। उससे पहले मैं छोटे सी विनती सब विद्यार्थियों से करूंगा, क्योंकि सर आज की कक्षा में कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने स्क्रीन को प्रेजेंट ना करें, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। आप करेंगे फिर सर को वहां रुकना पड़ेगा, तो इससे कक्षा में बाधा पहुंचती है। तो विद्यार्थियों से आग्रह है कि अपने स्क्रीन को कृपा करके प्रेजेंट ना करें। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। अभिषेक जी, निशांत पुरोहित जी और उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के आप सभी प्राध्यापक गण, विद्यार्थी गण और जो भी विद्यार्थी हमारी कक्षा में उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में, ये एक उपन्यास है प्रेमचंद का, सेवा सदन। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये उपन्यास जरूर पढ़ा होगा। उपन्यास को पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही पाठ्यक्रम से थोड़ा बाहर की चीज होनी चाहिए, क्योंकि साहित्य और हिंदी साहित्य खास तौर से, या आपका यदि आप लोग उड़िया भाषी हैं या जो भी आपकी मातृभाषा है, तो मेरा ये कहना है कि आज आप परीक्षा के लिए जरूर इस उपन्यास को पढ़ेंगे, कुछ चीजें नोट करेंगे, कुछ चीजों का, प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन मेरी सलाह उसके बाद भी यही है कि आप साहित्य से जुड़े रहें, अपनी मातृभाषा के उपन्यास, अपनी मातृभाषा की कविताएं पढ़ते रहें, तो यह साहित्य का जो स्वाध्याय है, साहित्य के साथ जो आपका सानिध्य है, यह आपको कुछ और दे या न दे, परीक्षा में आपको अच्छे अंक तो देगा ही देगा, लेकिन यदि आप अपनी मातृभाषा और हिंदी के साहित्य से जुड़े रहेंगे, तो ये आपको पूरे जीवन भर आपको जीने की ऊर्जा भी देगा। यह साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। और आज का ये जो उपन्यास है सेवा सदन, ये सेवा सदन हमारे हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि पूरे देश में, विश्व में उपन्यास सम्राट के नाम से जिनको जाना जाता है, प्रेमचंद जी का एक प्रारंभिक दौर का उपन्यास है। मैं इसको प्रारंभिक दौर का उपन्यास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेमचंद जी ने जब लिखना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने कुछ उपन्यासों की रचना की, उसमें कुछ उपन्यास उनके असफल भी हुए। प्रेमा इतना सफल उपन्यास नहीं था, धनपत राय के नाम से वो पहले लिखते थे। तो लेखन की दृष्टि से ये उपन्यास की अगर हम पृष्ठभूमि पर जाएं, उसके उन कारकों पर जाएं जहां इस उपन्यास की रचना होती है, तो ये उपन्यास लगभग 1916, 1917, 1918 का है। अगर हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों पर जाएं, तो यह विश्व युद्ध और 1917 की रूस की क्रांति, भारतवर्ष में गांधी जी का प्रभाव का बढ़ना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जमींदारी व्यवस्था, ब्रिटिश सरकार का दमन,
बहुत सारी परिस्थितियों पर के कैनवास पर लिखा हुआ है उपन्यास है। तो मैं आपको बताऊं, शायद आप लोगों को जानकारी भी होगी इस विषय में, कि सब पहले ये उपन्यास प्रेमचंद जी ने उर्दू में लिखा था और इसका नाम था बाजारे हुस्न। और मैं एक-एक करके आप लोगों को कुछ पक्षों के साथ इसकी जानकारी दूंगा, कुछ चीजों को हम गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे, फिर आप अपने इस मन में जो सवाल आते हैं उन्हें आप लिखते भी रहें, प्रोफेसर अभिषेक जी आपको बाद में उनकी उनका समाधान करेंगे, या आप उन सवालों को मुझसे भी पूछ सकते हैं अगर समय बचता है तो। तो मैं इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहा था कि सेवा सदन कैसे समय में लिखा गया, और जैसा कि होता है देश में दुनिया में हर बड़े लेखक की एक ही पहचान होती है, हर बड़े लेखक की, हर बड़े कवि की एक ही पहचान होती है, और वो ये होती है कि वो जीवन के कितना नजदीक है, मानवीय संवेदनाओं को समझने की, पकड़ने की उसकी क्षमता कितनी विरली है, कितनी अद्भुत है। शब्दों को तो सब कोई सुनता है, समझता है, लेकिन जो मौन की व्याख्या कर पाता है वह रचनाकार अपने समय का रचनाकार। संवेदनाओं के तंतुओं से जुड़ने की जो हमारी क्षमता होती है, रचनाकार की क्षमता होती है, उस कसौटी पर प्रेमचंद हमारे युग के सबसे श्रेष्ठ कथाकार और उपन्यासकार। आप ये समझिए कि आज इस उपन्यास को लिखे हुए लगभग 102 वर्ष हो गए, ये 2020 चल रहा है और 1918 का इसका प्रकाशन, लेकिन इन 102 वर्षों में भी इस उपन्यास की प्रासंगिकता में, इसकी उपादेयता में, इसके महत्व में रंच मात्र भी कमी नहीं आई है। लेखक अपने समय का तो प्रतिनिधि होता ही है, वो अपने एक युग इतिहास की परंपरा का भी संवाहक होता है। प्रेमचंद अपने युग का यथार्थ तो व्यक्त कर ही रहे हैं इस उपन्यास में, वो कुछ परंपराओं के प्रतिनिधि भी हैं, उनके लेखन के ऊपर भी कुछ उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखकों का, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकारों का प्रभाव है। जैसे कि जब हम सेवा सदन को पढ़ते हैं तो सेवा सदन के ऊपर जॉर्ज इलियट के उपन्यास एडम बीड का बहुत प्रभाव है। जॉर्ज इलियट का एक उपन्यास है अंग्रेजी में, एडम बीड। तो एडम बीड में जो कथा वस्तु है वो ये कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसका विनाश वांछनीय है। वो वहां पर एसेंशियल शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि यदि आप प्रकृति के विरुद्ध, और प्रकृति में सब कुछ शामिल है, आप, आपका घर, परिवार, समाज, प्रदेश, देश, परिवेश, पर्यावरण, आपका युग और ये नेचर, तो इसके विरुद्ध कार्य करने वाले का विनाश वांछनीय है, ऐसा जॉर्ज इलियट का कहना था। और उसी आधार पर प्रेमचंद जी ने भी सेवा सदन की जो रचना की है वह उस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था, मध्य वर्ग। तो प्रेमचंद के इस उपन्यास की जो अंतर वस्तु है, जो कथा वस्तु है, वो है हमारा मध्य वर्ग। और प्रेमचंद का स्वयं का जीवन, कोई भी कथा, कोई भी उपन्यास, कोई भी पिक्चर, कोई भी फिल्म, जितना व्यक्ति के अपने जीवन में से निकल के आती है, उस यथार्थ के साथ उसकी जितनी अधिक से अधिक निकटता होती है,
उस व्यक्ति का प्रस्तुतिकरण, चाहे वो शब्दों का हो, चाहे वो फिल्म का हो, चाहे वो चित्र का हो, चाहे वो नाटक का हो, वह उतना ही सरल, सहज और प्रेषणीय होता है, बोधगम्य होता है, जितना वह मानवीय संवेदनाओं के निकट से निकटतर होता है। तो सेवा सदन की जो पृष्ठभूमि है, कुछ कुछ ऐसा ही बहुत कुछ प्रेमचंद के स्वयं के जीवन में भी था। उनकी अपनी पहली शादी, उनके अपने संबंध, उनके उस समाज के साथ के ताल्लुक, उनकी अपनी गरीबी। तो मैं अभिषेक जी आपकी अनुमति चाहूंगा कि मेरा एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण है, आप पहले उसको चला दीजिए। और मेरा सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि वे इसको जल्दी से जल्दी अपने मन में जल्दी जल्दी देखते चलें। तो हम इस तरह से एक ओवरव्यू करेंगे पहले इस उपन्यास का, फिर उसके बाद एक एक करके हम कुछ पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। तो जी मैं सर, पहले हाँ आपका वहाँ प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन होगा जी सर, वहाँ पे आप प्रेजेंट कर। मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं, जी जी आप जी सर इसको दिखा दीजिए। जी। आपको मिल रहा है? जी जी सर दिख रहा है सर, उसे फाइल को एक बार सर खोलिए, दिख रहा है मुझे सेवा सदन। हाँ हाँ, तो मैं 2 मिनट में एक ओवरव्यू की जर्नी आपको करा रहा हूं। जी। ये आपका MAHD 14 खंड 2 सेवा सदन है। ये प्रेमचंद की नारी नायिकाएं हैं, जो उनके अन्य उपन्यासों में भी ने ली हुई हैं, सुमन, भोली, शांता, सुभद्रा सेवा सदन में है। अधिकांश लेखन में प्रेमचंद की नायिकाएं हैं, जैसे विरजन वरदान में है, रंगभूमि में कुलसुम और सोफिया है, कायाकल्प में बागेश्वरी है, निर्मला में कल्याणी सुधा निर्मला है, प्रतिज्ञा में पूर्णा, प्रेमा सुमित्रा है, गबन में जालपा और रतन है, सुखदा और नैना कर्मभूमि में है। और जो कालजयी सबसे बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास प्रेमचंद जी का गोदान है, उसमें मालती, बुधिया, धनिया, जुनिया, सिलिया, गोविंदी है। सेवा सदन का यदि मूल्यांकन करने की बात आएगी तो सर इसमें सर सर ये कहता पीपीटी आपने सर मिनिमाइज किया हुआ, क्योंकि स्क्रीन में मेरे सिर्फ स्लाइड वगैरह दिख नहीं रहा है। नहीं, मेरा एक सेकंड, मैं देखता हूँ पीपीटी हमारा मिनिमाइज तो नहीं है, मैक्सिमम पर है। नहीं मुझे अभी आ रहा है? आपका, नहीं सर मुझे सिर्फ ये दिख रहा है जहाँ पे आपका कौन सा रिसेंट फाइल्स वो दिख रहा है, उसमें सेवा सदन शैलेंद्र जैदी, सेवा सदन मुक्ति पृष्ठ, ये सब लाइन से जो है वो दिख रही है, और ऑन होने के बाद नहीं दिख रही है। अच्छा, तो आप उस फोल्डर में चले, एक सेकंड में दोबारा जाता हूँ। वो फोल्डर मेरे सामने स्क्रीन पे आ रहा है। जी, हम वहां पे क्लिक कीजिए सर, उस पे क्लिक कर दीजिए तभी। अभी ठीक है? अभी सर नहीं, डबल क्लिक कर लीजिए वो ओपन हो जाएगा। ठीक है? नहीं सर नहीं दिख रहा है, डबल क्लिक कर लीजिए उसके ऊपर तो हाँ, मुझे वो। मेरे यहाँ तो चल रहा है, मेरे यहाँ तो चल रहा है। इस पेज को मिनिमाइज कीजिए तो सर, इस पेज को मिनिमाइज एक सेकंड कीजिए, जो पेज पे आपने जो हमें दिख रहा है जहाँ पे सब लाइन से सब सेव वगैरह है, जो सेवा सदन शैलेंद्र जैदी सेवा सदन। अभी मैंने वो बंद कर दिया, अभी प्रेजेंटेशन खुला हुआ है, अभी देखिए। नहीं, आप अपने स्क्रीन आपके देखिए, जहां पे आप कॉल एंड करने का एक बटन है ना, उसके बगल में लिखा हुआ प्रेजेंट नाउ, हाँ, मैं तो पहले उसको, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ हाँ पहले सुबह में तो वो आ रहा था यहाँ पे, और अब नहीं जी, आ सुबह रहा। में जिसमें आप टेस्ट करा था उस समय मैंने भी देखा था, तो हाँ प्रेजेंट नाउ का तो ऑप्शन होगा सर। हाँ प्रेजेंट नाउ के साथ आ रहा है। जी ये तो मैं प्रेजेंट नाउ ही कर रहा हूँ।
और हाँ ये देखिए ये आ गया, लीजिए अभी आ गया। एक सेकंड आ रही है सर। हाँ सर, अब आई, अब आई, ठीक है, अब आ गया सर। जी सर, हाँ तो ये सेवा सदन का परिचय है, ये नारी नायिका है सेवा सदन से अतिरिक्त अन्य उपन्यासों में भी जो है, और हम साहित्य आलोचना जो है जिसके अंतर्गत हम इस किताब का आज अध्ययन कर रहे हैं, इस उपन्यास का, तो साहित्य आलोचना जो है वो गतिशील सौंदर्य बोध है, ये कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये कोई जड़ नहीं है कि आपने किसी चीज को एक वस्तु की तरह से देख लिया और कहीं रख दिया, ये गतिशील सौंदर्य बोध है। इसका अर्थ कहने का ये है कि जो आज आप पढ़ रहे हैं, जो आपको आज अच्छा लग रहा है, यदि आप इसको कल को दोबारा पढ़ेंगे, साल भर बाद दोबारा पढ़ेंगे, 5 साल बाद दोबारा पढ़ेंगे, तो आपको फिर कुछ अलग ही लगेगा। तो इसके दो पक्ष हैं, एक है जीवन और एक है उसका क्रमादर्श, जीवन यानी कि उसकी लाइफ और एक उसका पैटर्न। तो ये सेवा सदन की बहुत बड़ी मूल्यांकन की कसौटी है कि ये सौंदर्य बोध की जो गतिशीलता है उस पर बहुत खरा उतरता है। जो कथा वस्तु है सेवा सदन की वो मध्यवर्गीय संस्कारों का प्रतिनिधित्व है, जो मध्य वर्ग है, और मध्य वर्ग में भी उन्होंने बहुत महत्व दिया है नारी पात्रों को। जीवन के यथार्थ से सेवा सदन बहुत अच्छी तरह परिचय कराता है, यानी कि इस रचना को पढ़ते हुए आपको अनेकों बार ऐसा लगेगा कि अरे ये कहानी तो मेरे अपने घर की, परिवार की, मेरे समाज की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे ही शहर की या मेरे ही प्रदेश की है। ये एक स्लाइड है जो बाद में अभिषेक जी आपको दे देंगे, इसमें मैंने कुछ लिखा है कि सेवा सदन एक सफल और श्रेष्ठ कृति क्यों है। मैं तीन चार चीजें इसमें आपको बताता हूँ कि एक तो ये है कि इस उपन्यास में सब कुछ बड़ा ही जीवंत है, बड़ा ही प्राणयुक्त जीवन जैसे हर पात्र जी रहा है इसमें। इसमें सब कुछ है, असहायता है, इसमें गरीबी है, इसमें मध्यम वर्ग की बहुत सी विसंगतियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, इसमें आदर्शवाद भी है, ज्वलंत समस्याएं भी हैं, इसमें सभी तरह के पात्र हैं जिनमें कुछ का आदर्श है, कुछ का पाखंड है, बड़ा पैना, बड़ा ही धारदार व्यंग भी है इस पूरी रचनाओं में, आप जहां जहां से गुजरेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें कहीं भी नाटकीयता नहीं है, सब कुछ बहुत ही नैसर्गिक है, कहीं भी आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये चीज यहाँ अतिरिक्त है, या जिसको हम कहते हैं शो ऑफ अंग्रेजी में, कहीं कोई नाटकीयता नहीं है, कहीं कोई चीज, जैसे एक और उपन्यास था फीलिंग्स का जिसमें टॉम जोन्स, कुछ उसमें चीजें आती हैं कि वो लगता है ये जबरदस्ती डाली गई हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको ऐसा लगे कि कहीं भी कुछ अतिरिक्त है, ये सब कुछ इसी जीवन का लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक समग्र में सब कुछ गुथा हुआ, ठोका हुआ है, उसी तरह से ये अपने ही जीवन का एक भाग लगता है। ये एक निश्चित ही अनुभव की विषय वस्तु तो इस उपन्यास की है ही, लेकिन मैं उससे एक कदम आगे कहता हूं कि ये अनुभव का जितना है उससे ज्यादा ये अनुभूति का है, अनुभव और अनुभूति में कुछ अंतर होता है, इसकी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको बाद। इस उपन्यास की पूरी जो संवेदनाओं के साथ खड़ी की गई कहानी है, ये एक पूरे युग का चित्रण है, एक छोटे से कैनवास पर उस समय का पूरा युग चित्रित किया गया, और उस चित्रण में भी दो चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है, एक है निज यथार्थ और एक है युगीन यथार्थ। इन दोनों यथार्थ के बीच में प्रेमचंद खड़े होके इसकी रचना करते हैं। उस समय की एक बहुत गहरी परंपरा थी सुधारवाद की, तो इसमें कुछ पात्र हैं जिनसे कि सुधारवाद की, स्वामी दयानंद का भी प्रभाव था उस समय पर, सत्यार्थ प्रकाश का भी, तो सुधारवाद का भी जो आंदोलन था, पदम सिंह शर्मा और विट्ठल दास, इन दोनों के माध्यम से सुधारवाद की भी चर्चा हुई है, देश प्रेम की भी चर्चा हुई है,
समाज सुधार की भी बात होती है, अभागों की भी बात होती है, जाति प्रथा की भी चर्चा होती है, उच्च वर्ग नीचे वर्ग कुलीन वर्ग, और जो नारी का मन मानस है, तुलना नारी की जो शक्ति और नारी की जो कमजोरियां हैं। तुलसीदास जी ने भी कहीं कहीं एक रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, अवगुण आठ सदा उर रहे ही। तो मैं इसमें किसी नारी जाति के लिए क्षमा चाह रहा हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस उपन्यास में जो स्वभावगत नारी और पुरुष दोनों की ही, इसमें कोई नारी के लिए कुछ नहीं कहा है, नारी और पुरुष दोनों की ही स्वभावगत कमजोरियों और शक्तियों, सीमाओं और पराक्रम दोनों के बीच में बहुत ही बारीक सा संतुलन लेते हुए इस उपन्यास की रचना की। जैसे पदम सिंह शर्मा को या विट्ठल दास को सुमन के नगर वधू बनने से आपत्ति तो होती है, दर्द भी बहुत है, लेकिन वो उसको अपने घर में नहीं रख सकते। तो ये कटाक्ष है, ये व्यंग है, लेकिन यथार्थ यही है। हम किसी घायल के प्रति संवेदनशील तो हो सकते हैं, हमारी संवेदना उसके साथ होती है, लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम उसको उठा के घर नहीं ला सकते। तो ये जो विवशता है, चाहे वो सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, किसी भी तरह की, उन विवशताओं को प्रेमचंद ने बहुत ही संजीदगी से व्यक्त किया। सेवा सदन की जो विशेषता है, हम लोग बस में इसमें देखेंगे कि इसकी भाषा बहुत ही सर्वग्राह है, चुटीली है, सीधी तेज धार करती है, बुद्धि के धुंधलके हटा देती है, कोई भ्रम नहीं फैलाती, बल्कि भले भले भ्रमों को दूर करती है। लोकोक्तियों और कहावतियों का जो निर्माण प्रेमचंद के अपने साहित्य में होता है, वो बहुत विलक्षण है। मेरी आप सभी विद्यार्थियों को ये सलाह होगी कि जब भी आप कुछ पढ़ें, उसके नीचे लाइन खींचें, कोई आपको लोकोक्ति मिलेगी, कोई कहावत मिलेगी, कोई महत्वपूर्ण पैराग्राफ अगर आपको मिलता है, तो आप उसके नीचे लाइन खींचें, और जब भी समय हो आप उन किताबों को बस उलटते पलटते रहें, तो आपको बहुत सी चीजें याद रहने लगेंगी, बहुत सी अच्छी भाषा निर्माण होगी आपके विचारों की, आपके लेखन की, आपकी अभिव्यक्ति में एक धार आएगी, एक पैनापन आएगा, एक साहित्यिक अभिरुचि का लेखन होता चलेगा आपका। ये कुछ स्लाइड हैं जो कि आपको ये दे ही देंगे अभिषेक जी, आप इनको बाद में आराम से पढ़ना। मैंने इसमें लिखा है कि क्यों, किन किन चीजों का इस उपन्यास के लेखक के ऊपर प्रभाव रहा है, ब्रिटिश सरकार का भी प्रभाव रहा है, अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रभाव रहा है, उस समय की परिस्थितियों का भी प्रभाव रहा है, जो भेदभाव अंग्रेजों के साथ और भारतीयों के साथ होता था वो सब है। और मैंने इसको एक दूसरा एंगल दिया है कि असल में प्रेमचंद का ये सेवा सदन है क्या। तो मैंने ध्यान में आया कि ये प्रेमचंद का सेवा सदन, ये नारी की ओर से संपूर्ण समाज, देश, परिवेश पर एक तिरछी नजर है। तो तिरछी नजर क्या है, एक शेर है किसी का कि तुम्हारी सीधी नजर ने तो कोई बात न की, तुम्हारी सीधी नजर ने तो कोई बात न की, तुम्हारी तिरछी नजर का सवाल अच्छा था। तो ये एक सवाल है नारी की ओर से पूरे समाज की ओर, देश के साथ, परिवेश पर, उस पूरे युग पर उठाए हुए कुछ जलते हुए सवाल हैं, जिनका उत्तर 1918 का युग भी प्रेमचंद को, सुमन को नहीं दे पाया था, और 2020 का युग भी इन प्रश्नों से मुठभेड़ करने की स्वस्थ मन स्थिति में आज भी नहीं है। सेवा सदन का प्रभाव हम सब पर बहुत पड़ता है, हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हमारी बात है, क्योंकि ये एक चुनौती और सच्चाई कल भी थी और आज भी है, ये आप इसको देखेंगे। जीवन की समस्याओं के समाधान का भी इसमें प्रयास है, ये फंतासी नहीं है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से एक कोई ऐसी
फिक्शन की दृष्टि से देखा जाए कि नहीं सब कुछ कल्पनातीत है, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें उठाए गए प्रश्न हमारे प्रश्न हैं, उनके कुछ समाधान भी दिए। मैं आपको ये स्लाइड सबसे आखिर में दिखाता, लेकिन अब ये धन्यवाद मेरा स्वीकार करें और अब हम वार्ता पर आते हैं। अभिषेक जी, क्या ये प्रेजेंटेशन ठीक ठाक चल गया? जी, सर स्लाइड वगैरह सर आराम से सुचारू रूप से चला सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही सर। अच्छा चलिए, तो जितने हमारे विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, कोई अगर एक सवाल पूछे इस प्रेजेंटेशन के बाद, जिससे कि मुझे चीजों को लिंक करने में सहूलियत हो जाए, कोई एक सवाल। जिससे कि हम क्लास में थोड़ी जीवंतता ला सकें। जी जी राकेश मैं त्रिपाठी जी, विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि स्लाइड को, जी सर स्लाइड को देखने के उपरांत अगर किसी के मन में कुछ प्रश्न हो तो वो सर के सामने अपने माइक को अनम्यूट करके भी रख सकता है। इसके बाद हम आगे की फिर कक्षा को चलाएंगे। इस स्लाइड के उपरांत किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो अपने माइक को अनम्यूट करके सर से सीधे सीधे अपने प्रश्न पूछ सकता है। चलिए आप लिखते रहिएगा, हम बीच में फिर चर्चा कर लेंगे। तो अब हम इस उपन्यास के ऊपर बात करते हैं कि इस उपन्यास में है क्या। जैसा कि मैंने कहा कि इसकी अंतर्वस्तु मध्य वर्ग की है, और नारी मुक्ति, नारी की छटपटाहट, नारी के मनोभाव, मध्य वर्ग की समस्याएं, उस समय की जीवन पद्धति, उसकी विशिष्टताएं, मानव के सहज प्रलोभन, रिश्वत, दहेज, पाप में अनुरक्ति, पुण्य में अनुरक्ति, ये सब मानव जीवन की जो सहज सुलभ कमजोरियां हैं और शक्तियां हैं, इन सब का बहुत ही सटीक और संतुलित वर्णन इस उपन्यास में है। साथ साथ नारी जीवन की त्रासदी का बहुत ही सुंदर चित्रण है। नारी की जो सहज लोलुपता है गहनों के प्रति, कपड़ों के प्रति, अपने सम्मान का उसको दुख होता है, ये इनका बहुत अच्छा चित्र है। उस समय के समाज की स्थिति बहुत बखूबी उकेरी गई है। छोटे घर होते थे, घरों में सुविधाएं कम होती थी, साधन कम होते थे। सामान्य आदमी में, सामान्य परिवार के बच्चों में सत्ता के लिए, पद के लिए, धन के प्रति, अच्छी चीजों के प्रति, अच्छे कपड़ों के प्रति, जेवरों के प्रति, साधनों के प्रति, सुखों के प्रति, बड़े घरों के प्रति, शहर में जाने के प्रति एक आकर्षण भाव होता था। लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ पात्र उस समय भी थे और आज भी हैं, जो कि अपनी कुछ मान्यताओं पर, कुछ मर्यादाओं पर, कुछ आदर्शों पर दृढ़ रहते थे। उनका भी इसमें अच्छा खासा चित्रण किया गया है। समाज की जो वर्गीय संरचना है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकांश उपन्यास मध्यम वर्ग के आसपास ही चलता है, लेकिन उच्च शिक्षित वर्ग और धनाढ्य वर्ग का भी इसमें व्यवहार अच्छी तरह दर्शाया गया है। चाहे वो पंडित शर्मा जी हो, चाहे वो भोली हो, चाहे वो विट्ठल दास हो, चाहे महंत रामदास हो, जिन जिन बड़े बड़े लोगों की इसमें चर्चा है, उनके आसपास के जीवन का भी हल्का हल्का संपुट लिया गया है। विवाह संस्था पर काफी विचार हुआ है कि इसमें क्या क्या विकृति थी। गरीब बाप पहले भी बेमेल विवाह कर दिया करते थे, दहेज की व्यवस्था नहीं होती थी। सुमन का भी विवाह, जब उनके पिता कृष्णचंद्र दरोगा, जिन्होंने पूरे जीवन ईमानदारी से नौकरी की, लेकिन जब एक विवाह की व्यवस्था नहीं कर पाए तो उनका मन डोला, उन्होंने रिश्वत स्वीकार की। चैतू नाम का एक पात्र, उसकी मृत्यु के केस को दबाने के लिए उन्होंने महंत जी से 5,000 की सेटिंग की थी, लेकिन वो 3,000 में बात बनी, लेकिन वो बात खुल गई, इसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। तो उस समय का जो भाव था वो आज भी है कि आज भी हम कोई गलत काम करके प्रायश्चित करना चाहते हैं या सोचते हैं हमसे दंड ले लो,
उनको जब जेल हो गई तो उन्होंने इसको प्रायश्चित करना माना कि मेरा प्रायश्चित हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी गंगाजली से कहा तुम मेरे केस के लिए बिल्कुल पैसा खर्च मत करना, सिर्फ इस केस इस लड़की का विवाह करना, लेकिन गंगाजली नहीं मानी तो वो पैसा उसमें भी खर्च हो गया। लेकिन उनके उस पाप का दंड बहुतों को भोगना पड़ा, गंगाजली को, सुमन को, शांता को, सभी। तो ये एक सीख है कि भाई आप कुछ भी करिए, प्रायश्चित करने से आपका पाप कम नहीं हो जाएगा, ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इस उपन्यास के इस पात्र की कृष्णचंद्र के नाते प्रेमचंद जी ने उस समय की जो सामाजिक विसंगति थी, सामाजिक सरोकार था, कुछ लोगों ने आपने प्रेमचंद का नमक का दरोगा पढ़ा होगा कहानी, तो नमक के दरोगा में भी ईमानदारी और रिश्वत का ही तो खेल था। लगभग लगभग उसी पृष्ठभूमि में आप आइए कि कृष्णचंद्र ने 25-30 वर्ष अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से की नौकरी, लेकिन वो अपनी लड़की के विवाह के लिए दहेज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, लिहाजा उन्होंने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए रिश्वत स्वीकार की। अब देखिए, जब कृष्णचंद्र जेल चले गए तो उनकी पत्नी गंगाजली अपने भाई के यहाँ चली गई, और भाई ने जैसा कैसा भी वर ढूंढा, जैसा कैसा भी वर ढूंढा गजाधर दास। अब उस वर के साथ उसकी जो विशेषताएं हैं उनकी, जब गंगाजली बहन आके पूछती है भैया से कि भैया कैसा वर ढूंढा है, तो वो जो विशेषताएं बताते हैं कि घर द्वार के बहुत ऊंचा, हमसे भी 2 बिस्वा ऊंचा खानदान। तो मुझे अनायास ही याद आती है, अगर किसी ने आप में से धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी की पिक्चर शोले देखी हो, कि शोले में वो मौसी के पास जाता है अमिताभ बच्चन और कहता है कि वर कैसा है, तो वो जो विशेषताएं बताता है। तो अगर आपने न देखी हो तो आप दोनों को लिंक करिए। उस समय का जो दोहंग था, जो ढोंग था समाज में, जो पाखंड था, जो दोहरा चरित्र था, फिर उन सब के बाद कृष्णचंद जी की आत्महत्या। आत्महत्या हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा से रही है। जीवन की कठिनाइयों से जब हम पार नहीं पाते, हम ऐसी विपन्नताओं में, ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, तो हमारे जीवन की शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण कसौटी का बिंदु वही होता है कि जब जितनी बड़ी से बड़ी परेशानी आए और हम उस परेशानी के सामने कितनी मजबूती से खड़े होते हैं, ये हमारी शिक्षा का सबसे बड़ा इम्तहान है। उस समय भी जो शोषण था, जो अमानवीय व्यवहार था मजदूरों के प्रति, वो आज भी आप देख रहे हैं। आज भी इस COVID-19 के युग में आप सुबह से शाम तक अगर टीवी चला के देखें तो आज भी वही परिस्थितियां हैं जो आज से 100 वर्ष पहले मजदूरों के साथ थी। पलायन बाद उनको घर छोड़ना पड़ता है, उनकी जमीनों में कुछ नहीं होता है, कर्ज के बोझ से दबे हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, कोई साधन नहीं है। जिन बड़ी बड़ी हवेलियों का, भवनों का, होटलों का, बड़े 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 कार्यालयों का, मल्टीप्लेक्सेस का, मल्टीनेशनल कंपनियों के कार्यालयों का, जिनका निर्माण जो मजदूर करता है, जिन शहरों को मजदूर अपने खून पसीने से खड़ा करता है, उन शहरों में इन्हीं मजदूरों के रहने के लिए न जगह है, न खाने के लिए भोजन है। तो ये एक कितनी विडंबना है हमारे समाज की कि निर्माता जो है हमारे भवनों का, वो बेघर है, हमारे घर जो बनाता है उसका कोई घर नहीं। आज भी आप गुजरात से, दिल्ली से, बम्बई से, कहीं से भी देखिए, टीवी का कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, मजदूर पर मजदूर सड़क के किनारे 6-6 महीने के छोटे बच्चों को लेके, सूटकेस के ऊपर बच्चा सो रहा है, माँ उसको खींचती हुई ले जा रही है। तो ये जो दारुण परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों का चित्रांकन प्रेमचंद के इस उपन्यास में भी है। आज भी परिस्थिति यों की थी, आज भी साहूकार है, महाजन है, सूदखोर है, आज भी वर्ग भेद है।
उस समय राष्ट्रीय मुक्ति का आंदोलन था ब्रिटिश सरकार से मुक्ति पाने के लिए। आज भी बहुत से आंदोलन हैं इस गरीबी से, इस सामंतवादी व्यवस्था से, इस पूंजीवादी व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए। आज भी जात पात है, ऊंच नीच है, छुआ छूत है, अज्ञानता है, अंधविश्वास है, रूढ़वादी सोच है, धर्म भीरुता है, बेमेल विवाह है। उनका अपना जीवन होता है बेमेल विवाह का, तरह तरह के फिर नैतिक अनैतिक संबंध बेमेल विवाह की कोख से जन्म लेते हैं। फिर तुलसी ने एक जगह लिखा है, नारी मरी अगर संपत्ति नासी, स्त्री मर जाए संपत्ति का नाश हो जाए तो पुरुष तो तुरंत साधु हो जाता है। नारी मरी अगर संपत्ति नासी और मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। इस उपन्यास की जो नायिका है सुमन, पंडित गजाधर जी, गजाधर राय राय जी, जब वो प्रेमचंद जी के यहाँ से रात में देर से लौटती है तो उसको तो वो धुतकार के भगा देते हैं, और फिर अगले दिन से सारे समाज में प्रेमचंद जी की और सुमन की बुराइयां करते हैं, निंदाएं करते हैं, और उसको आश्रय कहीं नहीं मिलता तो वो नगर वधू बनने की ओर भोली के घर जाती है, गाना बजाना सीखती है। जीवन यापन के लिए उसको भी कुछ साधन चाहिए। लेकिन ये पंडित गजाधर राय जो हैं, ये फिर जो है क्या, ये स्वामी गजानंद बन जाते हैं। यानी कि पुरुष के सामंतवादी सोच का प्रेमचंद जी ने कितना बारीक विश्लेषण किया है कि पुरुष ने तो अपने लिए ये छूट ले रखी है कि वो जब चाहेगा वो स्त्री को धुतकार देगा, घर से निकाल देगा, और फिर वो स्वयं अगर प्रायश्चित करना चाहेगा या उसका मन बदलेगा तो फिर वो स्वयं जो स्वामी बन जाएगा। यानी कि जो गजाधर राय भीख मांगते हुए हाजा कई लोगों के पास गए और 5 रुपए का व्यवस्था नहीं कर पाए, वही सज्जन जब स्वामी गजानंद बन गए तो 4 दिन में 1,000 रुपए की व्यवस्था उनको समाज ने करके दे दी। ये बहुत बारीक कटाक्ष है समाज की व्यवस्था के ऊपर। यही चीज धनपत राय के प्रेमचंद के जीवन में भी हुई थी, उनके निजी जीवन से कुछ घटनाओं को उन्होंने इसमें शामिल किया। अब देखिए, पुरुष की जो स्वाभिमानी प्रवृत्ति होती है, जो उसका अहंकार होता है, वो लेखक के रूप में भी, लेखक पुरुष उससे मुक्त नहीं हो पाता। प्रेमचंद ये नहीं स्वीकार कर पाए अपनी रचना में कि सुमन आती और स्वामी गजानंद जी के साथ उसका दाम्पत्य फिर प्रारंभ होता, प्रेमचंद ये नहीं कर पाए। तो ये इस उपन्यास की एक छोटी सी विसंगति भी है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि सीताराम की यहां नहीं लौट पाई, बिल्कुल उसी तरह से जैसे शिवरानी देवी प्रेमचंद के साथ जो संबंध उनके रहे थे। तो किसी भी रचना में रचनाकार का व्यक्तिगत जीवन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसी अंश में आता है। प्रेमचंद अपनी पत्नी को लेने नहीं गए थे, ना कोई चिट्ठी पत्री हुई थी। इसी तरह से सुमन को लेके ज्योति आई, प्रेम पंडित जी नहीं गए। और जिस तरह से प्रेमचंद की पत्नी बिना पति दर्शन के मर गई, उसी तरह से सुमन के सामने एक जरूरी विकल्प यह रहा कि वह सेवा भाव की ओर जब मुड़ी तो उसको सेवा सदन की व्यवस्थापिका के रूप में इसी समाज ने उसको उसके उपयुक्त समझा, किंतु दाम्पत्य जीवन के उपयुक्त नहीं समझा, गृहस्थ जीवन में उसको द्वारा प्रवेश नहीं मिला। जबकि प्रेमचंद ने साफ साफ कहा है कि जिस रूप में नगर वधू होती हैं, चकले होते हैं, सुमन ने उस रूप में उस पेशे को नहीं अपनाया था, वह शुद्ध पवित्र रही, उसने अपना शील सतीत्व बचाकर रखा, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन उस कोठे पर जिस पर कि सुमन ये कहती है कि यहाँ तो भले भले लोग आते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े कुल के लोग आते हैं। एक किसी को पुरानी एक राजेश खन्ना की एक पिक्चर याद होगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। किसी ने देखी वो पिक्चर? देखिएगा, आई हेट टीयर्स।
ये कुछ ऐतिहासिक, कुछ पारंपरिक, कुछ युगीन यथार्थ बोध के सत्यों के साथ प्रेमचंद ने इस उपन्यास के ताने बाने की रचना की। हिंदू समाज की बहुत बात हुई, हिंदू समाज सुधारकों की बात हुई, लेकिन वो हिंदू समाज सुधारक जो हैं वो बड़े पाखंड भी उनके दिखाए गए। उनका जो ढकोसलापन है, जो उनका जो पाखंड है, उनका जो दोहरा चरित्र है, उसकी भी भरपूर प्रेमचंद ने बदी बखिया उघेड़ी है। आपने किसी ने अगर जैनेन्द्र का एक उपन्यास त्यागपत्र पढ़ा हो तो त्यागपत्र में एक पात्र है मृणाल, जो कि कोले वाले का गर्भ धारण करती है। आप तुलनात्मक अध्ययन अगर उपन्यासों का करें तो ये इस उपन्यास को भी आप सेवा सदन के बाद जरूर पढ़ें, जैनेन्द्र का त्यागपत्र। तो उस समय जो हिंदू समाज में स्त्रियों का जो शोषण होता था, जिस व्यथा, जिस पीड़ा, जिस उपेक्षा, जिस संकट, जिस आर्थिक विपन्नता, आर्थिक पराश्रितता, पति के घर में ही उनके सिमटे हुए संसार, पति की इच्छा की गुलाम, इन सब परिस्थितियों में जैसा उस समय का स्त्री का जीवन था, उन सभी चीजों का प्रेमचंद ने इस ने वर्णन किया है। अभी अभी एक जो सवाल आया था वो बिल्कुल मौके की बात है, क्या संयोग है कि जो सवाल अभी आपने पूछा था उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि नारी जीवन की, हिंदू समाज की, खास तौर से हिंदू समाज की, नारियों के समक्ष उस समय जितनी दिक्कतें थी, दाम्पत्य जीवन के जिन अभावों से, जिन पीड़ाओं से, दहेज की समस्या से, कई बच्चे पैदा होने की समस्या से, वस्त्र नहीं, जेवर नहीं, सुख नहीं, सुविधा नहीं, बड़े घर नहीं, साधनों का अभाव, दुर्गम दुर्धर्ष परिस्थितियां, भयंकर संघर्ष, समाज से एक बिलगाव, खुलापन नहीं, यानी कि सुमन चिक के भीतर से तो सड़क पर आते जाते लोगों को और भोली के घर को देख सकती है, और भोली अपनी दुकान खुली रख के ग्राहकों को आकर्षित करती है, उसके यहाँ भले भले नामदार लोग, भली भली टमटम, भली भली मोटर जाके वहां रुकती हैं, वो दाल मंडी से अलग रहती है। ध्यान दीजिए इस बात पर, जो इस तरह के पेशेवर लोगों के लिए, नगर वधुओं के लिए, जो आचार्य चतुर्सेन ने एक शब्द प्रयोग किया है, उन स्थान से अलग, दाल मंडी से अलग, वो एक बहुत ही साफ सुथरे संभ्रांत परिवारों के मोहल्ले में भोला देवी रहती है, बोली। तो उन समस्याओं का सभी का जो उस युग की महिलाएं, स्त्रियां, खास तौर से मध्यम वर्ग की, और उसमें भी हिंदू समाज की जो स्त्रियों के समक्ष समस्याएं थी, इनका बहुत बखूबी वर्णन प्रेमचंद के इस उपन्यास में हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी ग्रंथ की रचना शून्य में नहीं होती है, शून्य में नहीं होती है, कोई भी रचना जीवन में से ही निकल के आएगी, उसका आधार जीवन ही होगा, उसके प्रसंग जीवन में से ही आएंगे, उसके पात्र जीवन में से ही आएंगे। वही जीवन जो मेरा है, आपका है, हमारे आसपास जो बिखरा हुआ है, वो उसी में से आएगा, और वो जीवन चाहे किसी का फिर कितना ही स्थिर क्यों ना हो, कितना ही सुखद हो या दुखद हो, लेकिन उस जीवन में जो चेतनता है, यानी जड़ता में भी जो चेतनता है, जो चेतनता का आवागमन है, जो दैनिक प्रसंग है, वहां से जीवन की घटनाओं से साहित्य में प्रसंग और लेखन आता है, पत्थर भी हो तब भी, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो जो चिरंतन है, जो निरंतर चलता रहता है, जो आता जाता है, जो प्रसंग आता जाता है, जो बातें होती हैं, जो अंतःक्रियाएं होती हैं, जो संवाद होते हैं, जो एक दूसरे से संबंध होता है, वो जो घिसता है, उससे उस स्थिर जीवन के ऊपर भी, युग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोगों ने वो सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, राशि रस्सी आवत
जान से रावत आवत जात से पाथर पड़े निशान, यानी कि रस्सी जीवंत है। आप लोगों ने कुएं से पानी खींचा होगा या किसी जगह रस्सी बंधी होती है, पत्थर से घिसते घिसते उस पत्थर में भी निशान डालते। यही साहित्य के साथ भी है, जो हमारे जीवन की जीवंत घटनाएं होती हैं, नित्य प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिनमें हम लगे रहते हैं, वे हमारे साहित्य का निर्माण करती हैं। उनके निशान साहित्य रूपी पत्थर पर पड़ते रहते हैं। तो जो साहित्य में लिखा हुआ है, किसी भी रचना की जो सबसे बड़ी सफलता है वो क्या है? अगर हम उस कसौटी पर सेवा सदन को कसें, परखें, तो किसी भी रचना की जो सबसे बड़ी कसौटी होती है वो ये होती है कि जो लिखा हुआ है वह हम अपनी नाड़ी पर उन स्पंदनों को महसूस करें। जो लिखा हुआ है वह भाव पढ़ते समय यदि पाठक के हृदय में आ रहा है, उसकी आंखों में आ रहा है, उसके चेहरे पर किसी पात्र के प्रति क्रोध, द्वेष, प्रेम, उपेक्षा, घृणा, कोई भी जो मनोभाव है, कोई भी जो हमारे रस हैं, उन रसों में से किसी भी रस की अनुभूति यदि हमको किसी साहित्य को पढ़ते समय हो रही है, तो इस तरह हमारे मनोभावों में स्पंदित साहित्य कालजयी साहित्य होता है, और यही साहित्यकार की सबसे बड़ी सफलता होती है। श्रेष्ठ उपन्यास जो होता है ना, वो जीवन की सूचना मात्र नहीं होता, वह होता है अपने आप में एक संपूर्ण जीवन, जो जीवन के विषय में सब कुछ कहता है, जीवन से असंपृक्त नहीं होता। सफल उपन्यास कमल का पत्ता नहीं होता कि पानी में है और जब निकालो तो उसमें पानी की बूंद का कोई अंश नहीं बचेगा। सफल उपन्यास तो रुई का ढेर होता है, पानी में डालोगे तो गीला होगा, अग्नि में डालो जल जाएगा, धूप में डालोगे सूख जाएगा, बाती बनाओगे दीपक की बाती बन जाएगा, वस्त्र बनाओगे तुम्हें ढक लेगा। ये उपन्यास इस दृष्टि से बहुत सफल उपन्यास है। इसमें बहुत सारे पात्र हैं, उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं, और हर पात्र आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास का पात्र है। अब आप जैसे बोर्ड की बैठकें हो रही हैं, म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड की बैठक, उस बैठक में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। प्रेमचंद के अपने समानांतर जीवन में भी ये चर्चाएं थीं। सन 1931 में लखनऊ में यही प्रश्न खड़ा हुआ था जो प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में बोर्ड की बैठक में उठवाया है कि क्या करें, इन्हें शहर से निकाल दें? इन्होंने सब हमारे संस्कृति को, हमारे परंपराओं को, मान्यताओं को ध्वस्त कर रखा है, ये कलंक हैं, ये हमारे समाज में कोढ़ के रूप में। तो ये एक सामाजिक समस्या है, इसके प्रति हमारा देश, हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज कभी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों कि यही समस्या हमारे जैसे ही जनसंख्या से प्रबुद्ध भरपूर राष्ट्र चीन में भी आई थी, नगरवधुओं की समस्या। तो सन 1951 में ही चीन ने एक कल्याण बोर्ड बनाया और सारे के सारे जो उनके आलय थे उनको बंद कर दिया और ये समस्या जड़ से खत्म हो। उन लोगों के विवाह कराए गए, उनको घरों में प्रवेश दिलाया गया, समाज को शिक्षित किया गया कि ये महिलाएं, ये लड़कियां, ये स्त्रियां उपेक्षित नहीं हैं, ये आप ही लोगों की किसी भूल का परिणाम है, आप ही लोगों की किसी कुत्सित वासना का शिकार होती हैं, इन्हें अपनाइए। बहुतों के विवाह कराए गए, बहुतों को कुछ और मान्य कारोबारों से जोड़ा गया, नौकरियों से जोड़ा गया, और फिर चीन में ये समस्या खत्म। तो प्रेमचंद ने एक बहुत बड़ी दुखती रग की ओर भी हमारा ये इशारा किया है।
बैठकों में जो ढोंग होता है, जो राष्ट्रवाद का ढोंग होता है, जो बड़े बड़े आदर्श की बातें होती हैं और समाधान कुछ नहीं होता, इसकी ओर प्रेमचंद ने बहुत करारा व्यंग किया है। एक और आपने शुरुआत के पन्नों में ही आप देखेंगे कि जब सुमन के मामा जाते हैं सुमन के लिए बर खोजने के लिए, तो जिन गांव में जाते हैं वहां गांव में एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि जो लड़के हैं वो पुरानी पोटरियों से निकाल निकाल के अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, महिलाएं घर से नहीं निकलती, सब कहारों से पानी भरवाती हैं, और तमाम इस तरह का पाखंड प्रदर्शन, ऐसा वैभव दिखाने का उपक्रम होता है जिसको अंग्रेजी में शो ऑफ कहते हैं, कि वो ये दिखाने के लिए, क्योंकि उनको क्या था कि ये लड़की के लिए जिसके लिए वर ढूंढा जा रहा है वो कृष्णचंद्र दरोगा की लड़की के लिए वर ढूंढा जा रहा है, बहुत दहेज मिलेगा, माल मसाला मिलेगा। तो ये समाज पर उस समय जो प्रभाव था, धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा था। कौन सा प्रभाव? शारीरिक श्रम से अलग होने का प्रभाव, शारीरिक श्रम से विलगाव, शारीरिक श्रम को हीन दृष्टि से, तुच्छ दृष्टि से देखा जाने लगा था। सामंतों पर यह प्रभाव अंग्रेजों से आया। अंग्रेजों ने अपने शासन को चलाते रखने के लिए सामंती वर्ग पैदा किया, जमींदारी वर्ग को प्रशय दिया, और जमींदारों से यही प्रभाव आम जनता के बीच भी जाने लगा कि किसी पर अगर अपना रुआब जमाना है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो शारीरिक श्रम जो नहीं करता वो बड़ा आदमी माना जाता है। जिसके घर में कहार पानी भरें, जिसके घर का खेत का हल कोई और चलाए, जिसके कपड़े कोई और धोए, जिसके यहाँ रोटी कोई और बनाए, जिसकी रसोई में कोई और काम करे, जिसके यहाँ झाड़ू बहारू कोई ऑन करे और करे, तो इस सब को बड़ा आदमी माना जाता है। तो ये जो प्रदर्शन की भावना भारतीय समाज की एक हीन ग्रंथि की है, इसके प्रति प्रेमचंद ने बहुत करारा व्यंग किया है। यहीं पर हिंदी की हमारी कक्षा है, तो हिंदी के लिए भी कुंवर साहब ने कितनी बड़ी बात कही है, कुंवर साहब नाम का जो पात्र है, कि आज का पढ़ा लिखा वर्ग अंग्रेजी बोल के अपनी प्रभुता, अपना बड़प्पन, अपनी ज्ञान क्षमता, अपनी बौद्धिकता का प्रदर्शन करता है अंग्रेजी बोलकर, जबकि कुंवर साहब नाम के पात्र के मुंह से प्रेमचंद क्या कहलवाते हैं कि अंग्रेजी तो मुझे भी अच्छी आती है पर मैं इससे घृणा करता हूं, मैं ऐसे समझता हूं, जब मैं कोई अंग्रेजी बोलता हूं तो ऐसे लगता है, ऐसे समझता हूं जैसे किसी अंग्रेज के उतारे हुए कपड़े मैंने पहन लिए। तो आपको अपनी मातृभाषा पर, अपनी हिंदी पर, अपने देश की भाषाओं पर बहुत बहुत गर्व भी अनुभव होना चाहिए। ये आत्मसम्मान का प्रश्न है, ये राष्ट्र निर्माण का प्रश्न है। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज प्रेमचंद के इस उपन्यास में रही कि सुमन और भोली, अगर हम इसके पात्रों को थोड़ा छांटते चलें, कम करते चलें, तो इसमें दो पात्र लेके चलिए आप, सुमन और भोली। यानी संपूर्ण कथा वस्तु का केंद्रक है सुमन, और सुमन मर्यादाओं में फंसी हुई, मान्यताओं में फंसी हुई, मध्यम वर्ग की, पहले उसके पिता अच्छे संपन्न थे लेकिन बाद में गरीब हुई, बेमेल ब्याह के बाद एक बूढ़े को ब्याह दी गई जिसका कि उसे स्नेह नहीं मिला, दाम्पत्य जीवन का कोई सुख नहीं मिला, अभावों का जीवन, गंगा स्नान, लेकिन सामने भोली का घर, ये अपने आप को मानती है कि मैं समाज की बहुत सम्मानित हूँ क्योंकि मैं मान्यताओं में मैं हूँ, मर्यादाओं में हूँ, धर्म मेरे साथ है, धन ही तो नहीं है। लेकिन जब तुलना करती है और सामने भोली को देखती है कि उसके यहाँ बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े ज्ञानवान, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े वकील सब जा रहे हैं, और जब वो उसके यहाँ जब मुजरा होता है और उसमें देखती है कि यहाँ सिर्फ धनवान ही नहीं, इसके आगे धन ही नतमस्तक नहीं है, इसके आगे तो धर्म भी कृपाकांक्षी है, तब उसके मन में भाव पैदा होता है कि मुझे आखिर मेरी मर्यादाओं ने, मेरी मान्यताओं ने, मेरे धर्म ने क्या दिया। तो ये जो ग्लानि भाव है, ये जो छोटेपन का भाव जो आता है, उसको जो कमजोर भाव है, जो उसकी कमजोर कड़ी है,
उसकी जो कमजोर नस है नारी स्वभाव की, वह उसको एक पतित मार्ग की ओर ले जाती है। तो यद्यपि इसमें प्रेमचंद ने बहुत बारीकी से काम लिया है, कथाकार ने, उपन्यासकार ने उसको पतिता नहीं कहा है, लेकिन एक चेतावनी देते हुए उस पूरे चरित्र की रचना की है, उस पात्र की रचना की है कि दोनों के बीच में से जीवन को, समाज को क्या सोचना चाहिए, और चेतावनी देते हुए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और कहाँ हमें परेशानियों के बावजूद भी डटे रहना चाहिए। ये चुनौती है, जैसा कि मैंने अपनी एक स्लाइड में दिखाया है कि ये चुनौती है। चुनौती क्यों है? क्योंकि वो परिस्थितियां तब भी थी और आज भी है। सुमन जब एक बाग से गुजरती है तो वहां एक बेंच पे बैठ जाती है और चौकीदार उसको उठा देता है, और उसके बाद वहीं पर भोली और दो नगर बधू आके बैठती हैं तो उनका बड़ा सम्मान होता है। तो सुमन के मन की पीड़ा को प्रेमचंद ने कितने मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है कि वो कहती है कि मैं इस धर्म पर हूं, मैं निष्ठा पर हूं, मैं अपनी मर्यादाओं में हूं, मैं अपनी लाज में हूं, मैं अपनी सीमाओं में हूं, और ये धर्म विहीन, नीति विहीन, समाज की कलंक, और इनके पास धर्म है, मैं इनसे ज्यादा रूपवान हूं, फिर भी इनको सम्मान मिल रहा है। तो इस तरह का जो भाव होता है, ये कई जगह प्रेमचंद ने दिखाया है। प्रेमचंद के दूसरे पात्र में भी, दरोगा कृष्णचंद्र में भी देखिए, 25-30 साल की नौकरी के बाद भी जब वो दहेज की व्यवस्था नहीं कर पाए तो एक मौके पर जाके उनके मन में इसी कमजोरी ने घर किया और उन्होंने रिश्वत ली। यही पैतृक गुण सुमन में गया, वहीं दूसरी ओर शांता में नहीं है, गंगाजली में नहीं है। तो ये बहुत सारी सामाजिक संरचनाओं का, जेनेटिक्स का भी प्रेमचंद ने बहुत बारीक बुनाई की है इसमें, पात्रों की रचना करते समय। फिर प्रेम संबंध आता है, फिर सदन आता है, बहुत सारे और पात्र इसमें बने रहते हैं, लेकिन यदि हम सारांश रूप में जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने जो इसमें उकेरने की जो चेष्टा की है वो ये है, एक पात्र के मुंह से उसमें कहलवाया भी है कि अवसर पाकर जिस प्रकार से पाप चेष्टा जागृत होती है, उसी प्रकार अवसर पाकर धर्म चेष्टा भी जागृत हो जाती है। और ये बहुत बखूबी संतुलन प्रेमचंद ने इसमें रखा है, और संदेश ये दिया है कि सुख जो है वो संतोष से प्राप्त, किसी पात्र के मुंह से प्रेमचंद कहलवाते हैं अंत में कि सुख संतोष से प्राप्त होता है। और सुमन खुद कहती है, खुद समझती है इस बात को, जब वो सेवा सदन में चली जाती है और अपने सारे उस पुराने प्राचीन कलंकित जीवन के इतिहास से मुक्त होना चाहती है, सेवा सदन में अपनी सेवाएं देती है जिससे कि बहुत लोग वहां पर प्रसन्न है, सब विधवाएं वहां प्रसन्न है, एक अच्छी व्यवस्था सेवा सदन की खड़ी हो जाती है। तो सुमन खुद इस बात को कहती है कि अब मुझे ये समझ में आता है कि जो संतोष से ही सुख प्राप्त होता है, और जिस आदर के लिए, जिस सम्मान के लिए मैं सारे समाज में भटकी, यहां तक कि मैं पतित भी हुई, पतन के मार्ग पर भी गई, मैं धर्म भ्रष्ट भी हुई, और मैं उसके बाद आज ये समझ पाई हूं कि जो आदर मिलता है वो सेवा से मिलता है, और जो प्रेम मुझे चाहिए होता था, जिस प्रेम की मैं भूखी थी, वो प्रेम का जो आधार है वो त्याग है, वो प्रेम का आधार भोग नहीं है, वो प्रेम का आधार त्याग है। तो इस तरह से बहुत सारी युगीन बोधगम्य समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में उठाया, गरीबों पर शोषण, गांव वालों पर सामंतों का प्रभाव, शारीरिक श्रम से भिलगाव, म्यूनिसिपलिटी की बैठकों में जो होता है वो आज भी बड़ी बड़ी बैठकों में होता है, जो हमारे जीवन में है वो समाज में है, जो समाज में है वो देश में है, जो देश में है वो साहित्य में है, जो पात्र उपन्यास में है वो आज हमारे सामने भी हैं। कभी कभी हम भी बहुत जरूरी, बहुत अच्छे मार्ग पर चलते चलते हम अनुचित मार्ग की ओर जाने के लालच को नहीं संभाल पाते हैं,
हमारे मन में भी मानवीय कमजोरियां आती हैं, सुख के लिए, संपदा के लिए अनेक प्रलोभन हमारे आमने सामने हर समय होते हैं। हमारे सामने चुनौती होती है मार्ग पर बने रहने की या कुमार्ग पर गिर जाने की। तो सुमन के शब्दों में कई जगहों पर प्रेमचंद ने इन बातों को कहा है, उपन्यास में कई जगह बात आई है, खास तौर से जब वो भोली से अपनी तुलना करती है। वो कहती है कि इसको तो कुत्ते के भौंकने की भी फिक्र नहीं है और मैं लोक निंदा से डर रही हूं। तो इस तरह के भाव आते हैं। और फिर वो जब ये कहती है तो बड़ा कटाक्ष है धर्म और धर्मांधता के ऊपर और धर्म के ठेकेदारों के ऊपर, पाखंडवादियों के ऊपर। कहती है कि जब मैं एक बार वहां सेठ चिमनलाल के ठाकुर द्वारे में झूला देखने जाना चाहती थी तो सारी रात बाहर भीगती रही और मुझे किसी ने उस ठाकुर द्वारे में जाने नहीं दिया। और जब मैं नगर वधू बन के गायन करने के लिए जब मैं उस ठाकुर द्वारे में गई तो सारा का सारा ठाकुर द्वारा यानी वही मंदिर, पूरा का पूरा मंदिर मेरे स्वागत में ऐसा बिछ रहा था, ऐसा मेरा स्वागत सत्कार कर रहा है जैसे कि मेरे चरण पड़ने से मंदिर पवित्र हो गया। तो मंदिरों में, मठों में, मठाधीशों में भी जो विद्रूपताएं हैं, जो मानवीय कमजोरियां हैं, जो विसंगतियां हैं, धर्म के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको धर्म के नाम पर उन गलत चीजों को भी सही सिद्ध किया जाता है। बांके बिहारी जी की संपत्ति के नाम पर कृष्णचंद्र दरोगा जी जिस महंत को गिरफ्तार करने की रिश्वत की न गिरफ्तार करने की रिश्वत लेते हैं, उस मंदिर में बांके बिहारी जी की के नाम पर 32 रुपये प्रति सैकड़ा की ब्याज उस समय चला करती थी। तो चेपू अहीर जो है, जो कि जिसने उस यज्ञ के लिए 5 रुपये प्रति हल के जो उगाही का चंदा करने का, जो भंडारा करने का, यज्ञ करने का जो आदेश था उसको नहीं माना, तो ये पात्र प्रेमचंद ने कहाँ से सुन चुना? क्योंकि जब प्रेमचंद इस कहानी को लिख इस उपन्यास को लिख रहे थे तो 1917 में रूस में क्रांति हुई। तो कोई भी कथाकार, कोई भी उपन्यासकार, कोई भी कवि, कोई भी लेखक अपने युगीन बोध से असंपृक्त नहीं रह सकता। तो मैं इन शब्दों के साथ इस अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। आप लोग कुछ प्रश्न भी पूछना चाहेंगे कि साहित्यिक आलोचनाओं की कसौटी पर भाषा की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, युगीन बोधों के शामिल करने के उद्देश्यों को संदेश मिला कि नहीं मिला, उद्देश्य परक रचना ठीक नहीं थी, इन सब चीजों पर हम किसी साहित्यकार की आलोचना करते हैं ना, तो हम साहित्य आलोचना की कोई भी कसौटी ले लें, हम उस कसौटी पर जब हम सेवा सदन को रखेंगे तो हर कसौटी पर सेवा सदन खरा उतरेगा। और इसी दृष्टि से ये प्रेमचंद का पहला सफल उपन्यास है। इसके पहले के उपन्यास प्रेमा में प्रेमचंद को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी, फ्लॉप हो गया था। लेकिन जब इसको उन्होंने पहले उर्दू में लिखना शुरू किया था बाजारे हुस्न के नाम से, तो इस कथानक को लिखते लिखते ही प्रेमचंद को स्वयं इतना अपने ऊपर विश्वास हुआ था कि इसके साथ लिखने के साथ, जब पूरा भी नहीं हुआ था उससे पहले ही उन्होंने निगम साहब को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि नावल नवीसी, उर्दू का शब्द है, नावल नवीसी यानी नावल यानी उपन्यास और नवीसी यानी लेखन, कलम नवीसी लेखक। तो उन्होंने निगम साहब को लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इस उपन्यास को लिखने के बाद मैं नावल नवीसी में भी नाम कमा पाऊंगा। तो क्यों ऐसा हुआ कि प्रेमा में जो थोड़ी सी काल्पनिकता थी, जो आदर्शवादिता का थोड़ा भाव ज्यादा हो गया था, वो नकलीपन जैसा आ गया था उसमें, तो वह उपन्यास और उसके पात्र जीवंत समाज से नहीं जुड़ पाए। पाठक को ऐसा लगा कि यह कहीं और की बात है, ये मेरे जीवन की बात।
लेकिन जब हम सेवा सदन को पढ़ते हैं तो इसमें किसी भी पात्र को आप ले लीजिए, वो पात्र आपको अपने आसपास ही नजर आ जाएगा। उस पात्र के संवाद आपको लगेंगे कि ये मैं बोल रहा हूं, ये मैं पढ़ रहा हूं। और मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था कि सबसे सफल कृति वह होती है किसी लेखक की कि उसको पढ़ते पढ़ते पाठक खुद लिखने लगता है। तो इस कसौटी पर प्रेमचंद का सेवा सदन 100% खरा उतरता है कि यह पाठक के मनोभावों को जागृत करता है, उनको एक दिशा देता है, संवेदनात्मक रूप से पाठक को आंदोलित करता है, आड़ोलित करता है और उसकी चिंतना को ऊर्जा देता है कि वह कुछ सोचने को, लिखने को, समझने को, अपनी सोच को संशोधित और परिष्कृत करने को भी मजबूर होता है। और यही लेखक का उद्देश्य था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी, निशांत जी और सभी विद्यार्थियों का। अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और आप जो प्रश्न रखना चाहें वो रखें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय इसी कारण सेवा सदन को लेकर के रामविलास शर्मा जी ने कहीं एक बार कहा भी था कि सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की प्राधीनता है। तो बिल्कुल इसी बिल्कुल क्रम जी सर इसी क्रम में विद्यार्थियों कुछ प्रश्न जो उन्होंने पूछे हैं उन्हें पहले आपके समक्ष रखता हूँ। पहला प्रश्न एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सेवा सदन में वर्णित मुख्य समस्याओं के बारे में थोड़ी सी और, मतलब वो बिंदु वर्ग मैं जानना चाहते हैं थोड़ा सा और सेवा सदन में अच्छा, वर्णित समस्याओं के बारे में। देखिए हमारे हमारे युग के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं प्रोफेसर कमल किशोर गोयनका। तो अगर आप प्रेमचंद के विषय में यदि और कुछ पढ़ना चाहें, जानना चाहें, तो आप कमल किशोर गोयनका जी का साहित्य पढ़िए ध्यान से और प्रेमचंद के बारे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, अब आइए जो सवाल है कि प्रेमचंद ने इस उपन्यास में और किन-किन समस्याओं को उठाया है। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब खुद ढूंढिए, आप सिर्फ इस किताब को उठाइए, ठीक है? और क्योंकि मैं तो ऐसे क्लैप्स लगा के पढ़ता हूं और किताब जो भी पढ़ता हूं मैं रंग देता हूं, इसके लिए मुझे अपने बहुत सारे लाइब्रेरियनों की डांट भी खानी पड़ी है, लेकिन फिर उसका मैंने समाधान ये निकाल लिया कि मुझे जो किताब पढ़नी होती है मैं खरीद लेता हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप अपनी मातृभाषा की हिंदी की साहित्य की किताबें पढ़िए, खरीद कर पढ़िए। इसमें भी एक मेरा उद्देश्य कहने का ये जुड़ा हुआ है कि अगर आप अपनी मातृभाषा की साहित्य नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी हिंदी का साहित्य नहीं पढ़ेंगे, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई जर्मनी में बैठा हुआ, कोई फ्रांस में बैठा हुआ, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ आपका साहित्य पढ़ेगा? तो आप अपने साहित्य के कर्णधार भी हैं, संरक्षक भी हैं, पालनहार भी हैं, और आप ही के ऊपर ये दायित्व है कि आपकी मातृभाषा और हिंदी, इसका साहित्य, इसके साहित्यकार बचें कि न बचें, ये आपके ऊपर है। तो वो कैसे बचेगा? आपका प्रकाशक कैसे बचेगा? आपका किताब छापने वाला कैसे बचेगा? आपका किताब बेचने वाला कैसे बचेगा? जब आप पढ़ेंगे, आप खरीदेंगे, तब प्रेस को काम मिलेगा, तब लेखक को पैसा मिलेगा, तब अखबार बांटने वाले को, साहित्य की पुस्तक आपके यहाँ पहुँचाने वाले को रोटी मिलेगी। तो अपना दायित्व तो अपनी भाषा के प्रति गंभीरता से समझिए। अब देखिए, आपने पूछा कि इसमें क्या क्या समस्याएं और हैं। देखिए, वैसे तो मैंने अभी चर्चा की है, और बारीकी से देखिए, आप इस किताब का कोई भी एक पन्ना उठा लीजिए, कहीं से भी, आपको उस पेज पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जहां एक समस्या होगी और उसके आगे पीछे के पन्नों में किसी पात्र के मुंह से आप उसका समाधान भी सुन रहे होंगे। जैसे
सबसे पहला शुरू होता है प्रेमचंद के उपन्यास का पहला वाक्य है कि पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सबको चखने पड़ते हैं। अब जैसे ही आप इस एक लाइन को पढ़ते हैं, इस पंक्ति को पढ़ते हैं, आपको चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, चाहे आपके मुंह का स्वाद कितना भी कसैला हो जाए, कड़वा हो जाए, लेकिन इस एक वाक्य को और पहले वाक्य को पढ़ते ही आपको अपने निजी जीवन के भी कुछ पाप पुण्य याद आ जाते हैं। तो ये लेखक की सबसे बड़ी सफलता है कि वो आपको अपने साथ जोड़ ले। अब इसमें जो समस्याएं उठाई गई हैं, बहुधा तो इन समस्याओं में अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करिएगा। देखिए इसमें क्या क्या समस्या आ गई। इसमें सबसे बड़ी समस्या आई हमारे भारतीय समाज का वर्ग विभाजन, क्योंकि भोली के मुंह से भी, पदम सिंह के मुंह से भी, विट्ठल दास के मुंह से, सुमन के मुंह से, गंगाधर राव के मुंह, सारे पात्र, मदन भी, सदन भी, सारे पात्र कहीं ना कहीं, चाहे वो शांता हो, कोई भी पात्र आप ले लीजिए, कहीं ना कहीं वो इस वर्ग विभेद की चर्चा अवश्य करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इससे पीड़ित है, या तो वो स्वयं पीड़ित है, उसका शोषण हुआ है, या वह शोषण कर रहा है। और जब हम इस बात को कहते हैं तो दूसरी समस्या आती है मानवीय पाखंड की, दोहरे चरित्र की, स्त्री की समस्या, स्त्री की पराश्रितता की समस्या, स्त्री की स्वाधीनता की समस्या, स्त्री के ऊपर घर के बंधनों की समस्या, स्त्री के स्वभाव के ऊपर पुरुष द्वारा लगाए जाने वाले लांछनों की समस्या, स्त्री के सामने कोई सम्मानजनक व्यवसाय न होने की समस्या, स्त्री पुरुष के संबंध, स्त्री पुरुष के साथ भेदभाव, यथार्थ सामाजिक सच्चाई, निंदा, स्त्री के स्वभावगत प्रलोभन, मजदूर, गांव की समस्या, बेमेल विवाह की समस्या, दाम्पत्य जीवन में अर्थ अभाव की समस्या, ग्रामीण लोगों में शहर जाने की प्रवृत्ति, गांव से पलायन, स्त्री का मायके के प्रति अतिरिक्त मोह, स्त्री का कोई भी विकल्प घर न होना, जिस घर में ब्याह दी गई मायके वाले कहते हैं हमारे यहां से तू विदा हो गई और ससुराल ने उसको निकाल दिया, तो इस परित्यक्ता का क्या हो, यह परित्यक्ता क्या करे, कहां जाए। तो इतनी विषम परिस्थितियों में जब परित्यक्ता है तो वो कहां जाए। पुरुष घर से बाहर कितनी भी देर रहे, स्त्री के सामने बंधन, पुरुष अपनी गलतियों की क्षमा मांग के या न मांग के भी अपने अहंकार से फिर भी पुरुष है, स्त्री को क्षमा मांगने का भी अधिकार नहीं दिया गया, उसको सुनने के भी अधिकार नहीं दिया गया, उसकी कोई सफाई नहीं सुनी गई। तो मूल रूप से अगर आप इसमें समस्याओं की चर्चा करेंगे तो इसकी समस्याओं को आप 8-10 अलग अलग बिंदुओं में रखें, उस समय के समाज का वर्गीकरण, समाज का भेद, हिंदू समाज की जड़ता, हिंदू समाज की कुरीतियां, हिंदू में भी ब्राह्मण समाज को और अतिरिक्त वर्जनाओं में और मान्यताओं के, मर्यादाओं के और परम आदर्श के रूप में देखने की जो प्रवृत्ति रही है, तुलसी ने भी एक जगह लिखा है पूजें विप्र सकल गुण हीना, यानी विप्र को सकल गुणों से विहीन होने पर भी पूजने का परंपरागत एक स्वभाव हिंदू समाज का रहा। लेकिन इसके साथ में समझना क्या कि ब्राह्मण समाज को
मैं नहीं कहता, ये मेरी मान्यता नहीं है, मेरा सिर्फ एक अनुमान है, शायद ध्यान की परंपरा को ज्यादा सम्मान मिले इसीलिए ऐसा रहा होगा। मैं किसी और वर्ण व्यवस्था में नहीं विश्वास रखता, न मेरा ये वक्तव्य है, लेकिन क्योंकि उपन्यास में ये चर्चाएं आई हैं, उपन्यास में सुमन कई जगह कहती है कि उसको लोग कटाक्ष करते हैं, विठल दास उस पर कमेंट करते हैं, उसको कटाक्ष करते हैं, उसको लज्जित करते हैं कि तुम ब्राह्मणी होकर ऐसा करती हो। तो सुमन कहती है कि दो चार ब्राह्मणियों को तो मैं भी यहां जानती हूं, यहां सब कोई भोली के समाज से थोड़े हैं। मूल रूप से समाज का जो बंटवारा है, छोटी 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 चीजों में जो समाज में द्वेष है, जो प्रलोभन है, मजदूरों की समस्या है, पलायनवाद की समस्या है, महंत जो है उस बेचारे को 5 रुपए न देने पर टोकते हैं, पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि मंदिर में रात रात भर वो पिटता है। तो ये मजदूर प्रताड़ना तो आज भी है, आज भी आपके सोशल मीडिया पर कैसे कैसे समाचार, कैसे कैसे वीडियो आते हैं कि आपके गांव में, शहर में, किसी कोठी में, किसी बंगले में, किसी मंदिर में, किसी के फार्म हाउस में मजदूरों के साथ क्या क्या बर्ताव होता है, आज भी आप सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो चैतू उस समय का विद्रोही स्वर है जो सामंत के खिलाफ खड़ा हुआ है। अरे भाई, पिछले कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई, खेती नहीं हुई, तो उसने वो 5 रुपए धर्म के नाम पर उस पंडे को नहीं दिए। अब यहां पर धर्म सत्ता का मद खड़ा होता है, धर्म सत्ता के पास बाहुबल है, धन है, और धर्म तो अपने आप में सत्ता है ही, लेकिन उस धर्म सत्ता की आड़ में कितने अत्याचार, कितने अनाचार, कितना पाखंड, कितना वसूली चल रही है, इसकी ओर भी आपको ध्यान देना होगा। ये भी एक समस्या है, आज भी ये हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज भी देखिए मंदिरों में चढ़ावों की अगर आप सूची देखें, और वहीं उसी देश में आप गरीबों को देखें, उसी देश के गरीब किसान को देखें, तो इस समस्या की ओर भी प्रेमचंद ने ध्यान दिया। जी सर, धन्यवाद सर। मैं अपनी बात करूं इस उपन्यास को पढ़ते हुए, तो जो मेरा मुझे जो मुख्य और सबसे पसंदीदा जो एक या हाँ लगभग एक पन्ने का ही समस्या, जब म्युनिसिपालिटी में, जैसा आपने कहा, जब म्युनिसिपालिटी में चर्चा होती है कि शहर के जो मध्य वहाँ दाल मंडी में उनकी जो वैश्यालय है उसे शहर से दूर कहीं स्थापित कर दी जाए, उसमें फिर ये एक भेद निकल के आता है कि मुस्लिम और हिंदू पक्ष, क्योंकि वहाँ जो म्युनिसिपालिटी की कमेटी होती है उसमें 8 मुस्लिम पक्ष रहते हैं, 10 हिंदू हाँ पक्ष, वो एक समस्या उनके मध्य आती है। फिर उसके अलग एक राजनीतिक पक्ष भी उसमें देखने को मिलता है कि मुस्लिम लोग ये सोचने लगते हैं कि वैश्यालय में 90% जो संख्या है वो मुसलमान औरतों की है, तो ये हमारा एक वोट बैंक है। फिर आगे चल के वही एक पात्र है, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद हाजी हाशिम की और हाँ अबुल जी वफा, जी अबुल वफा, वो वहाँ पे एक कोटेशन है उसमें वो कहता है कि रात को अगर कोई कहे कि सूरज निकल गया है तो मैं ये चीज मान सकता हूँ, लेकिन मैं जी हिंदुओं की नीयत पर शक मतलब यकीन बिल्कुल नहीं कर सकता। तो एक वहां ही पर भी भ्रम पैराग्राफ है, में, जी, वहां भी पाखंड है, वहां भी सांप्रदायिकता है। तो वही एक पैराग्राफ में मतलब एक कहे तो एक पन्ने में बहुत सारी चीजें आराम से निकल के बिंदु निकल के आती है। जी सर, इसी क्रम में सर मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ। एक विद्यार्थी पूछते हैं, नारी की मुख्य समस्या जो इस उपन्यास के द्वारा वर्णित की गई हो, वो ये पूछ रहे हैं, जो नारी की प्रमुख समस्या हाँ जो इस उपन्यास में देखिए, ये उठाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उचित प्रश्न है, और जब आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आपको आपसे कई जगह मुठभेड़ करेगा। इस प्रश्न से आप बच नहीं सकते, इस प्रश्न से आप बच नहीं सकते। इस उपन्यास को पढ़ते समय, पढ़ने के बाद ये प्रश्न आपके मन में हमेशा, जो भी संवेदनशील पाठक होगा उसके मन को रौंदेगा। नारी की समस्याएं इसमें कई स्तरों पर हैं, नारी तो मूल पात्र है ही, नारी की समस्याओं का भी बहुत बारीक चित्रांकन है इसमें। नारी की समस्याएं शरीर के स्तर पर, भाव के स्तर पर, उसकी सामाजिक शुचिता के स्तर पर,
उसकी सामाजिक पारिवारिक अस्वस्थि के स्तर पर, उसके मनोभाव की कमजोरियों के स्तर पर, उसकी दृढ़ता के स्तर पर, आर्थिक परतंत्रता कि वो हालांकि पति कुछ नहीं कमा रहा है लेकिन वो पति के ऊपर ही आश्रित है। तो इसमें अगर मूल रूप से देखें तो आप इसमें चार तरह से समस्याएं नारी की देखिए कि एक तो नारी के विवाह की समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहां से शुरू होती है। और इसमें एक दूसरी चीज भी आती है जो कि नारियों के लिए एक चेतावनी भी है और उस समस्या का कारण भी प्रेमचंद ने बताया है कि ये समस्या ऐसी क्यों आई। जैसे कि आप देखें प्रेमचंद की जो पात्र है इसमें सुमन, उसका जब प्रेमचंद प्रारंभ करते हैं तो प्रेमचंद शांता और सुमन दोनों के बीच में सुमन के पात्र में कुछ अतिरिक्त ऐसा जोड़ के उनका चित्रांकन है जैसे कि सुमन कुछ बचपन से ही अहंकारी, कुछ महत्वाकांक्षी और उसे अपने रूप का कुछ गर्व था, तो उसके लिए रूप गर्विता शब्द का प्रयोग किया है ना कि प्रेमचंद की यह पात्र रूप गर्विता है, उसको अपने रूप का गर्व है। यानी कि जब उसके पिताजी दो चीजें कोई भी लाते हैं और एक जैसी ले आते हैं तो उसे अपनी बहन शांता से भी द्वेष हो जाता है कि मैं अलग हूं, मैं इससे ज्यादा सुंदर हूं, तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर चीज आनी चाहिए। तो ये भी नारी की एक समस्या ही है, नारी मन की समस्या है, ये नारी मनोविज्ञान की समस्या है, नारी की आर्थिक परतंत्रता एक बहुत बड़ी समस्या है, नारी के ऊपर जो बंधन है समाज के वो एक समस्या है, नारी के पास व्यवसाय के आर्थिक उपार्जन के बहुत ज्यादा विकल्प समाज ने नहीं छोड़े हैं, नारी हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट रही है आक्षेपों के लिए, नारी का सील एक ऐसी जिसे कहना चाहिए सेंक्टम पवित्रतम वस्तु समाज के ठेकेदारों ने बना के रखी है कि वो अपनी सुविधा से उसके ऊपर कभी भी आक्षेप कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याओं से प्रेमचंद के सारे नारी पात्र सदैव जूझते हैं। प्रेमचंद ने हमेशा अपने नारी उपन्यास अपने पात्रों के साथ एक न्याय किया है, वो एक तरफ उसका प्रलोभन भी दिखाते हैं, उसका मार्ग से डिगना भटकना भी दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस आदर्श की स्थापना भी करते हैं जिससे पतन हुआ है। और उन्मुख पतनोन्मुख नहीं है उनका साहित्य, आदर्शोन्मुख है, उद्देश्य उनका आदर्श स्थापना का ही है, क्योंकि समाधान भी यही है, समाधान भी वहीं पर। तो उपन्यास मूलक रचना नहीं है ये समाधान मूलक है, इसमें समाधान भी पात्रों के मुंह से देते हैं प्रेमचंद। नारी की जो समस्याएं हैं, लोभ नारी की समस्या है, आदर पाना नारी की समस्या, मन की समस्या यानी मनोविज्ञान के रूप में इस बात को लें, मन की समस्याएं हैं, तो प्रेमचंद उसका समाधान भी देते हैं कि भाई जो सुख मिलेगा वो संतोष से मिलेगा, जो सुख मिलेगा वो भागदौड़ से नहीं मिलेगा, प्रलोभनों के पीछे अनैतिक कर्म करने से, चीजों का संग्रह करने से नहीं मिलेगा, जो सुख मिलेगा वो संतोष से मिलेगा, जो आदर मिलेगा वो सेवा से मिलेगा, और जिस प्रेम को मैं जीवन भर ढूंढ रही हूं वो प्रेम त्याग से मिलेगा। तो इस समस्या के ऊपर प्रेमचंद के समाधान भी दिए, प्रेमचंद ने समाधान भी दिए। जी सर, निश्चित रूप आपकी से। आपकी आपकी आपके सवाल का उत्तर आपको मिला? सर विद्यार्थी को अंगीकार है, मैं विद्यार्थियों के सीधा आग्रह करता हूँ कि अगर उनके कोई प्रश्न हो तो सीधे सीधे तौर पर अपने माइक को, हाँ उन्होंने हाँ कहा है कि उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया, फिर भी मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि कोई प्रश्न हो आज की कक्षा से लेकर या सेवा सदन उपन्यास से लेकर तो अपने माइक को अनम्यूट करके भी सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं विद्यार्थियों को अनुमति देता हूँ, छूट देता हूँ कि आप अपनी इच्छा अनुसार सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। उस अगर विद्यार्थी कोई प्रश्न, हेलो जी कहिए प्रश्न पूछिए सर अपना। हेलो सर, नमस्कार।
नमस्कार। सर, इस सेवा सदन में सुमन के चरित्र की विशेषताओं को थोड़ा बता, उनका चरित्र की विशेषता। हाँ, सेवा सदन में सुमन के चरित्र की विशेषताएं। मैं आपको बताऊं कि विशेषताएं दोनों ओर से हैं, दोनों तरह की हैं। जो मानवीय कमजोरियां हैं वो भी उसकी विशेषता है, जो उसकी दृढ़ताएं हैं वो उसकी विशेषताओं का उजला पक्ष है। इन दोनों को लेकर ही आप, जब ये प्रश्न आपके परीक्षा में आए तो दोनों को ही आप इंगित करिए। पहले छोटी चर्चा करिए उसकी कमजोरियों की, और ज्यादा बड़ी चर्चा करिए उन कमजोरियों से उबर के आने की। तो इस जीवन की उसकी विशेषता है कि वो परेशानियों से जल्दी जीतती है। जैसे कि पहले दिन उसका काम कोई नहीं करता है, तो फिर वो जो लाड़ प्यार में पली होने के बावजूद भी फिर वो अपनी वास्तविक परिस्थिति से समझौता कर लेती है। ससुराल में पहुंच के जब वो वहां की दरिद्रता को देखती है, वहां की गरीबी को देखती है, वहां देखती है कि वहां नौकर चाकर नहीं है, तो फिर वो अगले ही दिन बहुत जल्दी उन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन भी कर लेती है। तो समायोजन करना उसकी बहुत बड़ी विशेषता, दृढ़ता उसकी विशेषता है, शारीरिक श्रम से भागना ना उसकी विशेषता है, उसके हृदय में स्नेह है दूसरों के लिए, दूसरों के काम आना चाहती है, दूसरों को आदर देती है, वो छोटे से छोटे काम करने को भी तैयार है, वो पंडित प्रेमचंद जी के यहाँ उनका पान लगाने के लिए, उनकी सेवाएं करने के लिए भी तैयार है। अगली किसी परिस्थिति में जब उसके साथ और बुरे दिन है तो वो शांता के घर जाती है और शांता के यहाँ भी सब सेवाएं करने को तैयार है। सेवा सदन में भी उसका सेवा भाव आता है। सबसे अंत में वह अपने सेवा भाव के बल पर ही अपने जीवन का साफल्य देख रही है, तो सेवा भाव उसके अंदर बहुत प्रगाढ़ भरा हुआ है। तो ये इस तरह से छोटे छोटे बिंदु बना के आप सुमन के व्यक्तित्व की विशेषताएं दिखा सकते। सत्य है उसके अंदर, दृढ़ता है, उसे लांछन बर्दाश्त नहीं है, स्वाभिमान बहुत है उसके अंदर। जी जी असित जी, आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए। इसके उपरांत अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, हाँ, आपको आपके हेलो प्रश्न को, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आपके आपके प्रश्न के सर, उत्तर वो जो मिल गए। सुमन का सेवा भाव, उसका थोड़ा चर्चा कीजिए। सेवा सदन में जो सेवा भाव कैसे हुआ, सेवा भाव कैसे जागृत हुआ। सुमन के सामने जब विकल्प आता है कि अब वो क्या करेगी, वहां से कहाँ जाएगी, वहां से कहाँ जाएगी, तो उसने सर गाना बजाना सीखा है। वो गाना बजाने से अपने जीवन का यापन करना चाहती है, लेकिन वो स्थान जो उसने चुना है वो अपवित्र माना जाता है समाज में, तो वहां से वो निकलने को भी छटपटाती है, और उसको अपने जीवन से मोह भी है, लेकिन उसको अपनी इज्जत से प्यार भी है, उसको अपना सम्मान भी चाहिए, वो आत्महत्या करने भी जाती है। और आत्महत्या करने जहां जाती है वहीं उसको अपने उसके पूर्व पति मिलते हैं जो कि अब साधु हो चुके हैं। तो आप उस सेवा सदन के उस पृष्ठ पर जाइए जहां पंडित स्वामी जी, जो गंगाधर जी हैं, उनका और सुमन का जो वार्तालाप है उसको पूरा पढ़ जाइए। जब पंडित उसको सेवा भाव जगाने के लिए कहता है, तो उस पंडित की प्रेरणाओं से सुमन के अंदर सेवा भाव जगता है, और वो सेवा सदन में सेवा करने के लिए जाती है और आत्महत्या का विचार त्यागती है। ठीक है, सर मैं अपना सवाल रखना चाहती हूँ। मेरा नाम जी ग्लोरी है। नमस्ते सर। नमस्ते।
क्योंकि सर ये जो सेवा सदन है ये हुस्न बाजारे बाजारे हुस्न के नाम से उर्दू का उपन्यास था जो प्रेमचंद ने प्रकाशित किया था। तो कौन सा? इसका जो सर ये बाजारे हुस्न के नाम से सर पहले उर्दू में आया हाँ, था इसको इसको प्रेमचंद इसको ने लिखा था। हाँ, आप तो इसको जो गलत सर नहीं इसका करिए, ये जी बगारे नहीं, बहार ए हुस्न था, हाँ बहार। बहारे हुस्न हाँ, जो बाग में बहार आती है ना, जो बगीचे में बहार आती है, तो जी। बहार ए हुस्न था, उर्दू का शब्द है अच्छा बहार ए हुस्न। जी सर ठीक है। मेरी जो तो स्लाइड सर है, जो इसका स्लाइड के पहली वाली स्लाइड में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। जी सर मैं उसमें जाके देखूंगी जरूर। तो सर इसका जो अनुवाद हुआ है वो एक बाद में हिंदी मतलब भाषा में अनुवाद हुआ, तो कहीं ना कहीं भाषा में कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं इस उपन्यास को लेके, या पाठक वर्ग जैसे ये उर्दू का उपन्यास जैसे अपने पाठक वर्ग बना पाया, क्या ये हिंदी में भी हिंदी भाषा में भी उतना ही पाठक वर्ग बना पाया कि नहीं, मतलब इसकी भाषा उतनी ही मापदंडों में रही कि नहीं रही। नहीं, ये आपका बहुत बहुत ही बढ़िया, अच्छा साहित्यिक प्रश्न है और बहुत ही समुचित प्रश्न है ये। बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि ये सवाल आपने पूछा है। देखिए, इसको आप दो तरह से समझिए। पहला तो ये है कि एक भाषा उर्दू और एक भाषा हिंदी। अच्छा, दोनों भाषाएं आपस में बहुत गुथी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही भाषाएं हमारे देश की अपनी भाषाएं हैं, हमारे ही समाज की भाषाएं हैं। उर्दू पहले हमारे देश की बहुत बड़े भूभाग पर बोले जाने वाली भाषा थी, और धीरे 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 वो जब राजराशा से निकल गई, बहादुर शाह जफर के बाद, नवाबों के बाद, तो धीरे धीरे जब खड़ी बोली का विकास होने लगा, लेकिन खड़ी बोली भी उर्दू की परंपरा को लेकर ही विकसित हुई। खड़ी बोली को आप ये नहीं कह सकते उसमें उर्दू का कुछ नहीं है। अगर आप खोजने जाएंगे तो आपकी आज की हिंदी में भी खड़ी बोली के हजारों शब्द हैं, आज की खड़ी बोली में उर्दू के। तो वो एक सतत परंपरा से शब्दावली चलती है, और इसको भाषाओं का समाकर्षण कहते हैं, कि एक भाषा दूसरी भाषा से चाहे अनचाहे प्रभावित जरूर होती है, चाहे वो कितनी भी अलग हो। आप इसको ऐसे उदाहरण से समझिए, जैसे कि आप उड़ीसा में हैं। अब उड़ीसा राज्य की सीमाएं चार राज्यों से मिलती हैं, झारखंड से मिलती हैं, बंगाल से मिलती हैं, आगे जाएंगे तो आप मध्य प्रदेश से मिलती हैं, फिर बराबर में जाएंगे तो और किसी राज्य से मिलती हैं, थोड़ा सा महाराष्ट्र से भी मिलती हैं। तो अब आप उन सीमांत प्रदेशों की कल्पना करें, छत्तीसगढ़ से मिलती हैं, अब आप उन सीमांत प्रदेशों की कल्पना करें कि उन लोगों की सोचिए जो रहते उड़ीसा में हैं, लेकिन सुबह जब खेत पे जाते हैं तो उनका खेत है छत्तीसगढ़ में। जो छत्तीसगढ़ में जिनका घर है, लेकिन वो खेती बाड़ी करने आते हैं उड़ीसा में। इसी यही संबंध उर्दू और हिंदी का है। बहुत सी चीजें बहुत कॉमन है, भाव कॉमन है, संप्रेषण कॉमन है, विचारधारा कॉमन है, जो समाज है वो दोनों का कॉमन है, एक ही समाज की दोनों रचनाएं हैं। नंबर एक, भाषागत प्रश्न के बाद अब आपकी बात आई अनुवाद की, तो मैं आपको बताऊं कि ये अनुवाद किसी और ने नहीं किया है, ये एक ही उपन्यासकार है जो कि पहले धनपत राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, उन्होंने ही बहार ए हुस्न लिखा, और उस समय के फिर जो संपादक थे उन लोगों ने उनको कहा कि भाई उर्दू की वजह से आपकी पठनीयता थोड़ी सी सीमित पाठकों तक है, तो आप अपना हिंदी में लिखना शुरू करिए। तो उन्हीं धनपत राय ने अपना नाम प्रेमचंद रखा, और फिर वो प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अंतर आते हैं पाठक वर्ग को ध्यान में रख के जब लेखक लिखता है। उदाहरण के लिए, ऐसा माना जाता है कि जो उर्दू है वो अधिकांशतः हमारे मुस्लिम समाज की भाषा है,
या जो फारसी और अरब देशों से जो लोग जिनके वंशज हैं उनकी भाषा है, तो उनका पारिवारिक, उनका सामाजिक ताना बाना ढांचा, उनका जीवन दर्शन, उनकी जीवन पद्धति, उनका रोजाना का व्यवहार हिंदी वालों से निश्चित रूप से थोड़ा सा अलग होगा, निश्चित ही। तो कथाकार जो एक ही पृष्ठभूमि में दो रचनाएं करता है, ऐसी और भी बहुत सी रचनाएं आपको किसी कथाकारों की हैं जिन्होंने कि दो अलग अलग पृष्ठभूमियों में, दो अलग अलग भाषाओं में एक ही उपन्यास को लिखा है, तो कुछ अंतर जैसे आएंगे। क्या अंतर आएगा? जैसे कि एक लड़की अपनी माँ से यदि वो उर्दू में है तो क्या कहेगी? अम्मी कहेगी, बीबी कहेगी, खाला कहेगी। यही पात्र जब हिंदी में आएगा तो अपनी माँ से माताजी कहेगा, माँ कहेगा, मौसी से मौसी कहेगा। कुछ जो बर्तनों के नाम वहां पर होंगे, कुछ जो वहां पर फानूस हिलता होगा, यहाँ पंखा झलता होगा, वहां पर पीक दान होगा, यहाँ पर पान दान होगा। तो इस तरह से कुछ शब्द और प्रतीकों का जो बिंब है और उनकी छायाएं हैं वो कुछ अलग अलग अवश्य होंगी, लेकिन कथानक की दृष्टि से न बाहरे हुस्न कमजोर रचना है और न सेवा सदन कमजोर रचना है। दोनों ही भाषाओं में इस कृति को पर्याप्त पाठक हर युग में मिले हैं। आज बाहरे हुस्न भी उर्दू वाले अच्छी तरह पढ़ते हैं, जिनको यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है पाठक की अपनी भाषाई समझ क्या है। जैसे कि जब इसके अनुवाद होते हैं तो ये जर्मन में, फ्रांसीसी में, इंग्लिश में भी हुए। अब हमारे ही भारतवर्ष के लोग जो भारत से बाहर चले गए, उनको हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती, उनको उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती, तो वो जब अनुवाद पढ़ते हैं तो उनको वही आनंद आता है जो हिंदी वाले को हिंदी पढ़ने में आता है, उर्दू वाले को बहारे हुस्न पढ़ने में। तो भाषा इसमें कहीं बाधा नहीं बनी। प्रेमचंद दोनों ही भाषाओं के, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं, प्रेमचंद अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन के भी बहुत अच्छे विशेषज्ञ थे, बहुत अच्छे। तो जब आप उनके उपन्यासों को पढ़ेंगे, गोदान को पढ़िए, निर्मला को पढ़िए, कर्मभूमि को पढ़िए, रंगभूमि को पढ़िए, प्रतिज्ञा को पढ़िए, सेवा सदन को पढ़िए, इसमें आपको न कि सिर्फ उर्दू, फारसी, अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश के भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे। तो भाषा कहीं बाध्यता नहीं है। भाषाओं का ज्ञान बोधगम्यता को, पठनीयता को, प्रासंगिकता को, उपादेयता को, स्वीकार्यता को और बढ़ाता है, उसे कम नहीं करता। ठीक है, आशा है आपके प्रश्न का समाधान हुआ। जी सर, जी थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे इन्होंने कहा अनुवाद की बात की, तो मैं एक जस्ट छोटी सी चीज उनको, उनके जानने के लिए बता दूं कि प्रेमचंद एक बहुत अच्छे अनुवादक भी रहे। टॉल्स्टॉय की बहुत सारी कहानियों का उन्होंने अनुवाद भी किया था, तो एक अनुवादक के तौर पर बहुत अच्छे, बहुत सराहनीय अनुवादक भी रहे हैं प्रेमचंद, बहुत अच्छे अनुवादक रहे। जी 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 सर, शुरुआत में जब हम देखते हैं कि 1910 तक वो सोजे वतन धनपत राय के नाम से लिखते हैं, बाद में उसकी प्रीतियां जला दी जाती है अंग्रेजों को, तो उनके जो मित्र रहते हैं मुंशी दया, क्या दया राम की दया, हाँ दया नारायण निगम, निगम जी, तो वो उनके मित्र रहते हैं, तो वो उन्हें सलाह देते हैं नाम बदल के लिखने का। तो वो दोनों साथ में मिलके जब पत्रिका के नाम लिखते हैं तो छपती थी मुंशी, यानी कि मुंशी दया नारायण जी के नाम से मुंशी और प्रेमचंद के नाम से प्रेमचंद, लेकिन बाद में जैसा कहते हैं भाषा परिवर्तन के कारण तो लोगों को दो नाम से धीरे 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 पढ़ते पढ़ते मुंशी प्रेमचंद हो गया। लेकिन शुरुआत जब हुई तो दो अलग अलग नाम, मतलब मुंशी और प्रेमचंद लिखा जाता था। मुंशी का अर्थ मुंशी दयाराम निगम जी से था और यहाँ प्रेमचंद का अर्थ प्रेमचंद जी से था, तो वो भाषा परिवर्तन के फिर कारण के अंतर्गत आता है। जी सर, जी सर, तो इसी के साथ विद्यार्थियों का धन्यवाद, आज के विषय हम यही समाप्त करते हैं।
और पुनः हम लोग कल दूसरे विषय के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि कक्षा निरंतर रोज चल रही है किसी ना किसी विषय को लेकर के। और साथ ही साथ वापिस से मैं सर का धन्यवाद करता हूँ विश्वविद्यालय की ओर से, और विद्यार्थियों को बता दूं कि सर के साथ हमारा साथ यहीं तक खत्म नहीं होता, आगामी सप्ताह में भी सर के साथ हमें बहुत से अलग अलग विषयों पर चर्चा करनी है। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि इसी तरह वो अपना स्नेह हम पर बनाए रखे और अपना समय हमें देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो शुरू से लगातार अब तक बने रहे हमारे साथ, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ लेकिन जो चीज सही है वही कह रहा हूँ कि कोई भी कक्षा बिना विद्यार्थियों को पूर्ण नहीं होती, इसलिए विद्यार्थियों का सबसे बड़ा धन्यवाद। हमारी टेक्निकल टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि ऑनलाइन कक्षा उनके बिना भी सफल नहीं हो सकती। तो निशांत जी का, मिनती मैम का और स्वागतिका मैम, जो लोग भी हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका पुनः अपना समय देने के ठीक है लिए। अभिषेक जी, निशांत जी और समस्त विद्यार्थियों का और उड़ीसा मुक्त विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद कि इस संकट काल में भी आपने शिक्षा की ज्योति को अनवरत जलाए रखने के लिए ये प्रौद्योगिकी का सहारा लेके विद्यार्थियों को कक्षाओं से जोड़ा है, हमें जोड़ा है। ये प्रयास निश्चित ही आपका सफल होगा और विद्यार्थियों को लाभ मिले। आप अपने सवालों को लिखते रहिए, अभिषेक जी को जीमेल करिएगा, मेल करिएगा। अगर मेरे लिए कोई आवश्यक हो तो मेरी आखिर वाली स्लाइड में मेल है, उसमें आप मेल मुझे करिएगा। यदि आपकी कोई शंका है, हम प्रयास करेंगे आपकी शंकाओं का समाधान किया जाए। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक सर यू सर, अपने अपनी ओर से अपनी कक्षा थैंक यू समाप्त कर सर। सकते हैं, एंड कर सकते हैं कॉल। जी सर, हम निशांत रिकॉर्डिंग का स्टॉप कर दो। हाँ सर मिनट मैम, थैंक यू निशांत, थैंक यू। थैंक यू सर।